हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ये आरसीएफ डुअल, जो कि हमने जो कैबिनेट है जो पेंट किया था वही कैबिनेट है। आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये पेंट किया था, यहाँ पर हमने ग्रिल ये लगा रखे हैं, ठीक है। आरसीएफ के हैंडल हैं, लोहे के हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। तो आज इसको फिटिंग करेंगे पूरे स्पीकर, और यहाँ से देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर करते हैं पहले फिटिंग, ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हमारे छोटे से चैनल को डीजा तुला एक्सपेरिमेंट, ठीक है। जैसे ये 400 वाट के स्पीकर रखे हुए हैं हमारे दो, और जो ही वो ही स्पीकर हैं जो हमने रिपेयर किए थे, ठीक है। 400 वाट के स्पीकर है जो न्यू बनाए हैं, और एक 750 HF है। ये काफ़ी ज़्यादा पावर हो जाएगी, लेकिन हमें 110 वाट की HF है, लेकिन मैं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कस्टमर को देना है, ठीक है, उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। वैसे आप चाहें आप 450 से ज़्यादा ना लगाएं, 450 यानी तो 550 बस, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम लोग इसको फिटिंग करेंगे। आप लोग देख सकते हैं इसकी मैग्नेट वगैरह, ठीक है। जैसे कि आपने स्पीकर की वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं जाके, पूरी रिपेयरिंग की वीडियो इसकी दे रखी है मैंने। ओके, तो इस तरीके से पहले निकाल इसको हटा लेते हैं। और बहुत ही बढ़िया, सब आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं हमारे चैनल को, छोटे से भाई को। प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए मुझे, बहुत ही। अगर कमेंट और लाइक आते हैं तो भाई वीडियो बनाने में भी इंटरेस्ट आता है। ओके, तो काफ़ी बड़े बड़े भैया हमारे हैं, जैसे भाई लोग हैं हमारे, इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई आप चिंता मत कीजिए, आप हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट रहेगा, कि ऐसे कमेंट दिल को छू जाते हैं। कोई नहीं, तो अभी हम आते हैं वीडियो पे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये हमारी बैक प्लेट है। तो ये वायरिंग प्लस माइनस में है, ठीक है। इसकी जो इनपुट है वो हमने सारे तीनों वायर में जोड़ ली है, ठीक है। यहाँ पर हम प्लस माइनस टर्मिनल का हम लोग चेक कर लीजिए, ठीक है। बैटरी से आप चेक करना चाहें बैटरी से कर लीजिए, यहाँ माइनस माइनस और प्लस प्लस में लगा लीजिए, ठीक, इस तरीके से कुछ। तो यहाँ पर लगाने के बाद अब इसको हम कर देते हैं यहाँ पर डाउन कुछ इस तरीके से, ठीक है। और सिंपली यहाँ पर दूसरी जो हमारा HF का बोर्ड है, 750, मैं ATI का यूज कर रहा हूँ। 750 काफ़ी मस्त इसीलिए लगा मेरे को, जो चीज़ जगह छोड़ जाती है ना अपनी, ये सब मेटल में है, ये अभी जगह नहीं छोड़ता अपना, ये चीज़ बहुत बेस्ट लगा। क्वालिटी भी ठीक ठाक है, बेस नहीं आती बिल्कुल भी, जीरो, बिल्कुल जीरो बेस। तो यहाँ भी आप प्लस माइनस, येलो वाला प्लस है और ब्लैक वाला माइनस है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें आप लोग। और इसको हम कस लेते हैं, थोड़ा जल्दी कर देते हैं, वीडियो लंबी हो जाती है काफ़ी। तो कुछ चीज़ ऐसी होती है भाई, वीडियो स्किप नहीं कर सकते हम, वीडियो लंबी रखना ही पड़ती है क्योंकि कुछ चीज़ें काम की चीज़ें होती हैं, इसीलिए कुछ नहीं कर सकते उसमें। तो यहाँ पर अभी यहाँ पर हमने कस दिया, जो दो वायर जा रहे हैं वो HF के लिए जा रहे हैं, ऊपर के लिए, ठीक है। जैसे कि देख सकते हैं हमारी जो बॉडी है वो, हाँ, जैसे कि जो HF के उस साइड में बिल्कुल मैंने इस साइड में बिल्कुल अलग निकलवा रखा है, ताकि जो HF की आउटपुट एयर होती है ना, एयर ना आए, वो एयर आती है फिर अलग ही भर अजीब सी आवाज़ आती है, वो चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर अलग कर रखा है, ठीक है। तो जो स्पीकर की बेस है वो नीचे ही वाली में रहेगी, ऊपर वाली से HF की ऊपर नहीं आएगी। अगर आप ये खुलवा देते हो तो थोड़ा बेस आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है, स्पीकर में, क्योंकि बॉडी का गैप थोड़ा बढ़ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमारी ये पूरी फिटिंग हो चुकी है, ठीक है। कोई नहीं, यहाँ पर 400 वाट के स्पीकर, 100 वाट के HF, 900 वाट की एक कंप्लीट होती है आपकी पूरी। तो आपको 9 दिन 18 करीब 1800 वाट या 2000 वाट आपको एक चैनल पे आउटपुट आना चाहिए, 2 ओम पे, ठीक है। 4 ओम की अपनी कैबिनेट तैयार हो गई है, 2 ओम पे आउटपुट आना चाहिए 1800 वाट या 2000 वाट। काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स रहेगा, आप चाहें तो 1200 वाट से भी चला सकते हैं, लेकिन वो क्वालिटी नहीं आएगी, थोड़ा पंच थोड़ा कम रहेगा, ठीक है। तो प्लीज़ हेडफोन का यूज करें साउंड टेस्टिंग। Thank you.